क्या नाम है आपका? मिर्जान। ये आप जो काम कर रहे हैं ये कितनी वर्षों से कर रहे हैं? ये 40-45 साल से कर रहे हैं, 40-45 साल। अब पहले के काम में और आपके काम में क्या फर्क है? जो प्लास्टिक बंद हुई, जब से मिट्टी में बहुत लाभ हो रही। आप ये जो अभी दीपक बना रहे हैं, इसकी बिक्री के कितने आसार है, कितनी बिक्री होने की संभावना है, पिछली बार कितनी हुई, इस बार कितनी हो, क्या फायदा होने? पहले तो 5 की 16 ही तो करते, अब जाके महंगाई 10 की 16 पे करे। कितना फायदा होगा? अब फायदा तो जो है कि 10-15 हज़ार रुपये मिल जाए। इस बार आपके घर दीपावली कैसी आएगी? अब दीपावली जो है कि भैया 10-15 हज़ार रुपया कमा लेंगे हम। अभी सरकारी योजनाओं का जो लाभ चल रहा है, हाँ। वो आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ है, कहीं अप्लाई किया था आपको? अभी हमको कुछ नहीं मिला है। कहीं आपने कोशिश की थी? अब कुछ सब लोग गए थे, लिखा पढ़ी भी कर दी थी, लेकिन मिला नहीं अभी कुछ भी। क्या मांग करती है सरकार जी, क्या चाहिए आप? अब सरकार जाकर लाइट को चक्का मिल जाए तो हमें सुविधा हो जाएगी। अच्छा, उसको मिलने से आपको क्या फ़ायदा होगा? तो उसमें मेहनत कम हो जाएगी, पूरे बर्तन हम इसी में बनाएंगे हर चीज। अच्छा, अभी जो प्लास्टिक बन रही है उसमें कुल्लड़ की डिमांड आई है? हाँ, आई है। आपने बनाए हैं? हाँ, कुल्लड़ बनाए हमने। इस पर कितने सामान, कितने तरह के सामान इस पर? हम कह रहे जितने भी तुम सामान देखो सब इसी पे बनता है, हाथ से कुछ नहीं, इसी पे बनेगा सब, जितने आइटम दिखा रहे सब इसी पे बनेगा। तो अभी वर्तमान समय में इससे आपको कितना लाभ है? इसे हर चीज़ को लाभ हो रहा है। अब आपका पूरा परिवार इसी में लगा रहता है? पूरा परिवार लगे इसमें, कोई और काम यार नहीं है कुछ काम। एक जनो करा और सामने लगे रहता, पूरा परिवार लगे रहता है, वो काम नहीं रहता पूरा। नाम है आपका? कल्लू प्रजापति। किस शहर में रहते हैं? जी ललितपुर में। ये जो आपका काम है ये कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं, पुश्तैनी काम है क्या? जी हमारा पुश्तैनी काम है, हमारे परदादा भी और दादा भी सब बूढ़े बुजुर्ग यही करते आ रहे हैं, हम लोग यही करते हैं। पूरा परिवार करता? पूरा परिवार करता है हमारा। जो पहले काम होता था, हाँ, और अब काम हो रहा है, इसमें क्या फ़र्क नज़र आया? इस पहले जो है बिक्री बहुत कम थी, अब और ज़्यादा थोड़ी बढ़ गई है, अपना शहर भी बढ़ता जा रहा है इसलिए। पहले आप हाथ की चाक से काम करती थी, अभी हाँ, बिजली की चाक से काम कर रहे हैं? पहले हाथ की चाक से काम करते थे तो वो चलाना पड़ता था हमारे लिए, अब ये जो है कि चलाना नहीं पड़ता है तो थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है। कितना फ़ायदा हुआ आपको पहले और अब में? अब ये है कि उसमें थोड़ा कम होता था, इसमें थोड़ा ज़्यादा होने लगा, तो थोड़ा पैसा भी ज़्यादा मिल जाता है।